हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट रिलोडेड। आज आम कौन डिस्कसन करवा? आम आज ये क्लास रे पेडागोजी आउ चाइल्ड डेवलपमेंट रहा एम सिक्यू पार्ट रिछटा इम्पोर्टाट एम सिक्यूज आंसर को आम आज डिस्कसन करवा। प्रीवियस क्लास रे मुझे आउ गए एम सिक्यू प्राक्टिस सेट डिस्कसन करी। तेल डेरी नक चैनल को टी लाइक सेयार और सब्सक्राइब कर दिंतु आउ हिट कर दिंतु बेल आइकन को मोर अपडेट पाई। ठीक अच्छे, तेल एगुट सब आम इम्पोर्टाट रहापाई आमर जितक भी टीचिंग एग्जाम अच्छी ओटीटी हो ओ एस एस टी टी हो सीटीटी हो आगू आसुवा आर एस टी एग्जाम हो जूनियर टीचर पर हो सबपाई आमर एटा इम्पोर्टाट रहा। स्टार्ट करवा आज फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखा। तेल फास्ट क्वेश्चन टी आम कौन दे आज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। आमर कौन दे जीन पियाजे अनुसार आमर कौटा गोटे नेसेसरी जिनस आमर लर्निंग ऑप्शन ए रे कौन देला एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द टीचर। बी रे देला कौन ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स। सी रे देला बिलीफ इन इमानेंट जस्टिस। डी रे देला रेनफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स। ताले आंसर आमर कौन है? आंसर आमर ऑप्शन नंबर ए एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। आमर जो मैंने भी आम लर्नर सबू से कौन हवा दरकार लर्निंग प्रोसेस रे आमर से मैंने एक्टिव हवा दरकार। ठीक अच्छे, दे नेक्स्ट कौन देखा? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इनफॉर्मेशन टू फिट एक्जिस्टिंग स्कीमास एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमास एज पर न्यू इनफॉर्मेशन। दिस टू प्रोसेसेस आर नोन एज। तले जीन पियाजे आमर कौन कही? से कही आम माइंड रे गोटे चैम्बर थाए इनफर्मेसन जोटा को कौन कही से स्कीमा बोली कही। स्कीमाटा आमर हूँ चैम्बर ऑफ इनफर्मेसन। तले क्वेश्चन ने आमर कौन देती जिते आमर स्कीमार गोटे नुआ इनफर्मेसनटा आड हुए ताको आमर से प्रोसेसटा कौन कह जाए आउ जो पुराणा स्कीमार आमर किटा मोडिफाए है कि जो न्यू इनफर्मेसन आमर स्कीमार आड हुए सेटा को कौन कह जाए बोल कि पचरा जाए। तेल ऑप्शन ए रे कौन देला अकोमोडेशन एंड अडाप्टेशन। ऑप्शन बी रे कौन देला असिमिलेशन एंड अडाप्टेशन। सी रे कौन देला इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन। डी रे देला असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तेल आंसर आमर ये कौन हो? आंसर आमर ऑप्शन नंबर डी असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। जितेबाला गोटे किसी न्यू इनफर्मेसन आम माइंड में आड होता है स्कीमार आड होता है से प्रोसेसटा को आम असिमिलेशन कह जाए आउ जिते आमर एक्जिस्टिंग स्कीमार आमर मॉडिफाई हो कि नुआ कि इनफर्मेसन आड होता है से कौन कह जाए अकोमोडेशन प्रोसेस बोली कह जाए कह मत आम जीन पियाजे। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन दे देख हावर्ड गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट। आमर हावर्ड गार्डनर जो थियोरी देते कौन मल्टीपल इंटेलिजेंस से कौन सजेस्ट करुच्ची? ऑप्शन ए रे कौन देला एव्री चाइल्ड शुड बी टॉट एव्री सब्जेक्ट इन एट डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल द इंटेलिजेंस। देन बी रे कौन देला इंटेलिजेंस इज सोली डिटरमाइंड बाय आईक्यू टेस्ट। देन सी रे कौन देला टीचर्स शुड यूज मल्टीपल इंटेलिजेंस एज ए फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। ऑप्शन डी रे कौन देला एबिलिटी इज डेस्टिनी एंड डज नॉट चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तेल आंसर आमर कौन हो देख? तेल आंसर आमर ऑप्शन नंबर सी टीचर्स शुड यूज मेंटल इंटेलिजेंस एज ए फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। आमर किटा भी जहाँ भी पढ़े सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाई आमर अल्टरनेटिव डिफरेंट डिफरेंट वेज को आमर अप्लाई करने आमको कही हवर्ड गार्डनर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला देखा ए फाइव इयर ओल्ड गर्ल टॉक्स टू हरसेल्फ व्हाइल ट्राइंग टू फोल्ड ए टी शर्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिहेवियर डिस्प्लेड बाय द गर्ल। क्वेश्चन तेल कौन देला गोटे पांच वर्षर झीलटे जो टी शर्ट को आम फोल्ड कर रखुच्छे से निज निज सहित निजे निजे कथा होमर तले जितक दिहला सेन्टेन्स दे स्टेटमेंट देर कौटा करेक्ट बोली अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिहेवियर कौटा बोली आमको पचार कौटा भितर ठीक अच्छे। ऑप्शन ए रे कौन देला जीन पियाजे एंड ले बायोक्सी
would explain this as egocentric nature of the child's thought. Then B re kon hala Jean Piaget would explain this as egocentric speech, while Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to regulate her actions through private speech. Then option C re kon hala Jean Piaget would explain this as social interaction, while Lev Vygotsky would explain this as an exploration. Then option D re kon hala Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as the child's attempt to इमिटेट हर मदर ताल अपसन सीटा भूल अच्छी दीटा मैं भूल अच्छी तेल आमर अपसन या बी भितर आम कौटा आंसर ठीक हम आंसर आमर ताल अपसन नंबर बी आमर से जीन पियाजेट कौन कही इगोसेंट्रिक स्पीच बोली कही लेव वाइगोसिंग मतर से कौन प्राइवेट स्पीच ठीक अच्छे। द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला Which of the following is best suited for emotional development of children? आमर गोटे पिलार जो इमोशनाल डेवलपमेंट हुए सेटा को कोटा बेसी सुट करुच्छे भितर आम देखा ऑप्शन ए रे कौन देला डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट बी रे देला नो इनवॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स आज इट इज द टास्क ऑफ द पेरेंट्स ऑप्शन सी रे कौन देला कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट डी रे देला अथॉरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट ताले आमर एटी कोडा सब भूल अच्छी ऑप्शन बीटा भूल अच्छी आम टीचर्स इनवॉल्व रे देन कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट एटा मध्ये आमर भूल अच्छी ऑप्शन डी रे देला अथॉरिटेरियन क्लासरूम जो अथॉरिटेरियन आसगला एटा मध्ये आमर नेगेटिव हो जइबो ताले आंसर आमर कोन हो जइबो डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट आमर इमोशनल डेवलपमेंट पई गोटे पिलार आमर डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट हबा निहाति दरकार। द नेक्स्ट क्वेश्चन कोन होला देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट टैक्स भितर कोटा आम सुइटेबल नुह बोली पचारप्शन ए रे कौन देला ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑप्शन बी रे देला प्रोजेक्ट ऑप्शन सी रे देला ऑब्जर्वेशन ऑप्शन डी रे देला रैंकिंग दि स्टूडेंट ताले फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ आम ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ निहाती जरूरी प्रोजेक्ट मेथड यहाँ ठीक अच्छे ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ ठीक अच्छे आमर कोटा सुइटेबल नुहे आमको पचार आंसर ताले आमर कही जब ऑप्शन नंबर डी रैंकिंग दि स्टूडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इम्पोर्टाट टू आमर गोटे इफेक्टिव टीचर हाँपी कौटाक इम्पोर्टाट बोली पचार्शन ए रे कौन देला एम्फासाइज डिटेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम द बुक बी रे देला फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रादर देन ग्रुप एक्टिविटी ऑप्शन सी रे कौन देला अवॉइड डिसरप्शन कॉज्ड ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स डी रे कौन देला बी इन टच विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड ताले आंसर आमर कोटा हिजिब आमर ऑप्शन नंबर एटा नेगेटिव हिजिब आमर ऑप्शन बी टा भी भूल हिजिब आमर एठी ऑप्शन सी टा अवॉइड डिसरप्शन एटा मधे आमर भूल हिजिब ताले आंसर आमर कोन हिजिब टू बी इन टच विथ ईच एंड एवरी चिल्ड्रेन आमर गोटे इफेक्टिव टीचर हवा पई इंपोर्टेंट कोटा आमर प्रत्येक पिलांग प्रति दृष्टि देवा ठीक अच्छे। दे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला देखिबा ए चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेजेस मिरर इमेजिंग एक्सेट्रा सच आज सच ए चिल्ड्रेन इज शोइंग साइन ऑफ आमर गोटे पिलाटे कौन कर नोटबुक जो आप देखिले पिलाटे कौन आम जो लिखुची से कौन करुच्ची रिवर्स मैनर लिखुची लेटर गुड़ाक आमर रिवर्स मैनर लिखुची एटा को उल्टा लिखुची किंवा एटा को उल्टा लिखुची ताले से चाइल्ड कौन टाइम प्रोब्लेम अच्छे ये सो करुच्ची ऑप्शन ए कौन देला लर्निंग डिसएडवांटेज बी रे देला लर्निंग डिसेबिलिटीज सी रे देला लर्निंग डिफिकल्टी डी रे देला लर्निंग प्रोब्लेम ताले आंसर आमर एटी कहीं जब ऑप्शन नंबर बी लर्निंग डिसेबिलिटी अच्छी बोली से पिलाटर आम से जानवा पिलाटे थर ए देती एटा को उल्टा लिखुची कि ई देची आमर एटा को उल्टा लिखुची ताले आम कौन पिलाटर कौन प्रोब्लेम अच्छे आम जानवा लर्निंग डिसेबिलिटी किसी गोटे अच्छे आम जानवा। दे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला देख टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन आमर जो गोटे टीचर्स आम कौन करती हेल्प करा चाहते क्या लर्नर्स मानक आमर कौन पर कंस्ट्रक्ट करने नॉलेज को किंबा बिल्ड करने नॉलेज को आमर टीचर टा ताले कहा ऊपर फोकस करिया दरकार
ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଦେଲା ମେକିଂ ସିଓର ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର ମେମୋରାଇଜେସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଂ ମେମୋରାଇଜ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ଏଇଟା ହେବନି ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ବିରେ କ'ଣ ଦେଲା ସ୍କୋର୍ସ ମାର୍କସ୍ ଅବଟେନ୍ଡ ବାଇ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଗଲା ସ୍କୋର୍ ଯେଉଁଠି ଆସିଗଲା ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ସିରେ କ'ଣ ଦେଲା ଇନଭଲ୍ଭିଂ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ରେ ଅଛି ଆମର ଦେନ୍ ଡିରେ କ'ଣ ଦେଲା ମାଷ୍ଟରିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ବାଇ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର ଖାଲି କନ୍ସେପ୍ଟରେ ଯେ ଆମର ମାଷ୍ଟର କରିବ ନାହିଁ ସେଟା ବି ଆମର କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ବେଶୀ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଇନଭଲ୍ଭିଂ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖିବା ଗିଭିଂ ପନିସିମେଣ୍ଟ ଭର୍ବାଲ୍ ଅର୍ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟୁ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଭର୍ବାଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ହେଉ ତାହେଲେ ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ଆମର ତା'ର ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ଆସେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଦେଲା ମୋଟିଭେଟିଂ ଦେମ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଦେନ୍ ବିରେ କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଦି ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଇମେଜ୍ ସିରେ ଦେଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଦେୟାର ସ୍କୋର୍ସ ଡିରେ କ'ଣ ଦେଲା ଡ୍ୟାମେଜିଂ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ କନ୍ସେପ୍ଟ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଡ୍ୟାମେଜିଂ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେ ଭର୍ବାଲ୍ ହେଉ ମାନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି କି ମାରନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାର ଆମର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣଟା ଆମର ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ମେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ପକାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ବି ପକାଇପାରେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ବେଶୀ କ'ଣ ପକାଇବ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନେଗେଟିଭ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡ୍ୟାମେଜିଂ ଦେୟାର ସେଲ୍ଫ କନ୍ସେପ୍ଟ ପିଲାଟିର ମନୋବଳକୁ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କରିଥାଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି କି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ପିଲାଟିର ସେଲ୍ଫ କନ୍ସେପ୍ଟଟା ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥାଏ ଦେନ୍ ତା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଫଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଲାଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କାଟାଗୋରୀ ଆମର ଲାଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କାଟାଗୋରୀର ଏଜ୍ଟା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି କେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମର ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଦେଲା 11 to 18 ଦେନ୍ ବିରେ କ'ଣ ଦେଲା 18 to 24 ସିରେ ଦେଲା ବାର୍ଥ ଟୁ 6 ଦେନ୍ ଡିରେ ଦେଲା 6 to 11 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 6 to 11 ଆମର ଲାଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆମର 2 to 6 ଦେନ୍ ଆଡଲସେନ୍ସ ଆମର କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର 11 to 18 ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ 13 to 19 ଦେନ୍ ଇନଫାନ୍ସି ପିରିୟଡ୍ ଆମର 0 to 2 ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆମର ଦେଲା ଦି ଟିଚର୍ ନୋଟିସ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ପୁଷ୍ପା କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସଲ୍ଭ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ ହର୍ ଓନ୍ ହାଉ ଏଭର୍ ସି ଡଜ୍ ସୋ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଅର୍ ପିଓର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦିସ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା ତାହେଲେ ପୁଷ୍ପା ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆମର ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସିଏ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛି କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ତା ପିଅର ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳକୁ ସେ ସେଇଟା କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଯିଏ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଦେଲା ଲ୍ୟାଟେରାଲାଇଜେସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ସିଏ ଦେଲା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ହେଇଯିବ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ସରି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଯିଏ ଆମକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଲ୍ପ ଦେଇଥାଏ ସେଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ସେ ଯେହେତୁ ପୁଷ୍ପାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଲ୍ପ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ଆଡଲ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ବୋଲି ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଆମର ଯେଉଁ CCE ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଦେଲା ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦି ଟିଚିଂ ଅପସନ୍ ବିରେ କ'ଣ ଦେଲା ଡାଇଲୁଟିଂ ଦି ଆକାଉଣ୍ଟାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା କ'ଣ କରେକ୍ଟିଂ ଲେସ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଏରର୍ସ ମୋର ଦେନ୍ ମୋର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଏରର୍ସ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହାଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅବଜର୍ଭ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଅପନ୍ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହାଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅବଜର୍ଭ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଅପନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ ଫିଟିଂ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମାସ୍ ଇନ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିମା ଥାଏ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଫିଟିଂ ହୁଏ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସ୍କିମାରେ ସେଇଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଦେଲା ଆକୋମୋଡ଼େସନ୍ ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ୍ ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା ଆସିମିଲେସନ୍ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆସିମିଲେସନ୍ ଆମର ସ୍କିମାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଆମର
आसिमिलेसन कहुए आउ पुराणा इनफर्मेसन टा जो कि गोटे मोडिफाए होकि आड हुए एक्जिस्टिंग इनफर्मेसन से कौन कहुए आकोमोडेसन कहुए ठीक अच्छे। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन दे वी ऑल आर डिफर्स इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस मोटिवेशन इंटरेस्ट एक्सेट्रा दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू व्हाट आम समस्त भिन्न कौ आकर इंटेलिजेंस को लेकिन मोटिवेशन को लेकिन इंटरेस्ट को लेकिन समस्ते समस्त भिन्न भिन्न यही प्रिंसिपल टाइम कौन बोली कहुए ऑप्शन ए रे कौन देला इंडिविजुअल डिफरेंस ऑप्शन बी रे देला थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस ऑप्शन सी रे देला हेरेडिटी ऑप्शन डी रे देला एनवायरनमेंट तेल आंसर आम कौन हो समस्त आंसर जानी ऑप्शन नंबर ए आमर इंडिविजुअल डिफरेंस। तेल आज आम शेष हो जाए इंपोर्टेंट कि एनसीक्यूज तार आंसर नेक्स्ट वीडियो रे आम आउ कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ आंसर को डिस्कशन करिबा। वीडियो टी आपन केमिति लागला आमको लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करी जणाइबे। थैंक यू।